बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हम अपने C++ की एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल हैंडलिंग का बहुत ही एडवांस एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, और ये जो कंसेप्ट है यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस कंसेप्ट के बारे में आपको ज़रूर बताऊं, आपसे जो है इस जो है कंसेप्ट को वो शेयर करूं। और वो कंसेप्ट दोस्तों ये है कि जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, तो आपको याद होगा कि हम फाइल हैंडलिंग का जब हमने कंसेप्ट सारे पढ़े थे, तो उसमें हम फाइल हैंडलिंग करते हुए जब अपनी फाइल को ओपन करते हैं, तो ओपन करते हुए चाहे वो हम उसे रीड करने के लिए ओपन करें या राइट करने के लिए ओपन करें, हम अपनी फाइल के नाम से पहले लोकेशन बताते थे, ठीक है, कि इस फाइल को किस जगह पर मैंने ओपन करना, ठीक है। अगर तो राइट करने के लिए ओपन करना है तो इसको किस जगह पे ओपन करना, और अगर रीड करने के लिए ओपन करना तो इसे किस जगह से ओपन करना, ठीक है। तो हम उसकी लोकेशन बताते थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लोकेशन बताना नेसेसरी नहीं है, लाजमी नहीं है। आप लोकेशन बताओ फिर भी काम चल जाता है, और अगर आप लोकेशन ना बताओ फिर भी काम हो जाता है। अब लोकेशन बताने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, लोकेशन ना बताने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और फाइल हैंडलिंग का जो छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा आपको डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आज हमने जो टॉपिक सिर्फ क्लियर करना है, जो कंसेप्ट करना है, सिर्फ हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं फाइल हैंडलिंग का। देन उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, देन हैश इंक्लूड, हमने फाइल हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए हम एफ स्ट्रीम हेडर फाइल यूज करेंगे। देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड हमारी लाइब्रेरी, देन हमारा मेन का फंक्शन, ये मेन की बॉडी, देन लास्ट पे गेट सी एच और रिटर्न जीरो, ओके। यानी होपफुली आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे जो कि फाइल हैंडलिंग पे काम करना है, तो फाइल हैंडलिंग के लिए आपको पता है हम फाइल हैंडलिंग का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम पहले एफ स्ट्रीम जो हमारा कीवर्ड है ये हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम फाइल का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम जिसकी हेल्प से हम फाइल को एक्सेस करते हैं। तो फाइल वेरिएबल का हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फाइल नाम रख लिया। देन उसके बाद इंट मैं एक टेस्ट के लिए एक वेरिएबल लूंगा रोल नाम से, देन मैं यूजर से इसमें एक वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, और वो मैंने रोल वाले वेरिएबल में सेव करवा लिया है। देन अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने रोल वाले वेरिएबल में यूजर से जो उसका रोल नंबर दिया है, इसको मैं कहाँ भिजवाना चाहता हूँ, फाइल के अंदर परमानेंटली सेव करने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइल का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया होता है उसको हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। तो मेरे वेरिएबल का नाम है फाइल डॉट ओपन, मैंने कहा फाइल नाम का जो वेरिएबल है उसको उस मेरी फाइल को ओपन कर दो, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के बाद हम इन राउंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी फाइल का नाम बताते हैं, देन ये बताते हैं कि हमने फाइल को किस काम के लिए ओपन करना है, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, ठीक है। और आपको ये भी पता है ये एफ स्ट्रीम का जो कीवर्ड है ये दोनों कामों के लिए यूज होता है। अगर तो आपने रीड करना हो तो आप यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ राइट करना हो तो सॉरी राइट करने के लिए आप ऑफ स्ट्रीम यूज करते हो, और रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम यूज करते हो। लेकिन अगर आपने दोनों काम करनी हो तो बजाय इसके कि आप ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम अलग-अलग यूज लिखो, आप एक ही लाइन के अंदर एफ स्ट्रीम लिखो। तो एफ स्ट्रीम का जो की वर्ड है ये आपको पता है ये दोनों कामों के लिए यूज होता है, तो इसलिए मैं कॉमनली यही यूज करता हूँ, मैं कभी भी ऑफ स्ट्रीम या इफ स्ट्रीम यूज नहीं करता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो सबसे पहले हम अपनी फाइल का नाम देते हैं, और फाइल का नाम देने से पहले हम लोकेशन भी बताते हैं, ओके। और फाइल के नाम को और लोकेशन को हम डबल कोट्स के अंदर बताते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले मैं ये बात लिखने से पहले चले मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दी ई ड्राइव की, मैंने कहा ई ड्राइव के अंदर ये फाइल जाके ओपन कर दो, तो आप जो भी यहाँ पे जिस ड्राइव का नाम बताते हो मेरी फाइल उसी ड्राइव में जाके ओपन हो जाती है। तो मैंने कहा ई ड्राइव के अंदर जाओ और वहाँ पे जाके schoolschool उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि नोटपैड की फाइल ओपन करनी है और नोटपैड की फाइल की आपको पता है एक्सटेंशन टेक्स्ट होती है। तो मैंने कहा स्कूल नाम की एक फाइल ई ड्राइव के अंदर जाके ओपन कर दो, देन कॉमा, देन अब हम बताएंगे हमने फाइल को किस काम के लिए ओपन करना है। तो iOS मैंने अपनी फाइल को राइट करने के लिए ओपन करना है, तो राइट करने के लिए हम आपको पता है एक यहाँ पे यूज़ करते हैं iOS ऐप, ऐप मीन अपेंड। अपेंड क्यों यूज़ करते हैं ये आपको मैं बखूबी बता चुका हूँ इससे पहले भी। तो iOS और राइट करने के लिए हम आउट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आउट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। देन उसके बाद हम फाइल में डाटा भिजवाने के लिए मेन राइट करने के लिए फाइल अपनी फाइल का वेरिएबल और देन ये सी आउट की तरह ये वाली लेस देन के दो ऑपरेटर और आगे अपने जो भी हमने वैल्यू भिजवानी हो वो भिजवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्पेस अंदर भिजवाई, देन उसके बाद मैं अपना रोल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मैंने कहा वो भिजवा दो, देन मैंने एक बैक स्लैश एन कर लिया, देन उसके बाद फाइल को मेरा डाटा फाइल में जा चुका है, अब मुझे क्या करना है फाइल को क्लोज करना, तो फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, एक फंक्शन है जो हमारी फाइल को क्लोज कर देगा। अब ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, तो मैं पहले आपको इसको रन करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये जो हमने जो बताई है लोकेशन कि मेरी फाइल किस जगह पे ओपन हो, तो इस लोकेशन को बताने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ़ायदा देख लेते हैं दोस्तों, इस लोकेशन को बताने का फ़ायदा ये होता है कि हमें फिर बाद में ये नहीं चेक करना पड़ता, मीन ये फाइंड नहीं करना पड़ता कि हमारी फाइल किस जगह पर ओपन हुई है, ठीक है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट पता है कि ई ड्राइव के अंदर ही हमारी फाइल ओपन हुई है। तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट अब ये देखें यहाँ पे आया मैं और मैं अपने दिस पीसी में गया और डायरेक्ट मैं ई ड्राइव में जाऊँगा, मुझे कोई सी ड्राइव को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कोई डी ड्राइव को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पर लोकेशन बताई हुई है एग्जैक्ट कि मेरी ये फाइल ई ड्राइव में जाके ओपन कर दो। तो सिंपली इसका फ़ायदा ये होता है लोकेशन बताने का कि हम एग्जैक्ट उसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं जिस जगह पर हमने अपनी फाइल की लोकेशन बताई होती है। तो ये होगा इसका फ़ायदा कि हमें फ़ाइल को ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा असम सा आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग, ठीक है, और फाइल हैंडलिंग करते हुए आपने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन सॉरी यहाँ पर लोकेशन बताई डी ड्राइव या जो भी आपने ड्राइव का नाम बताया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ड्राइव का नाम दे दिया डी ड्राइव, ठीक है, तो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका डाटा कहाँ सेव करेगा, डी ड्राइव के अंदर एक फाइल ओपन करेगा और उसमें आपका डाटा सेव भी होगा, मेन राइट भी होगा और वहाँ से रीड भी हुआ करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कुछ दिन के बाद अपना वो प्रोजेक्ट जाके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर जहाँ पर भी आपने वो उसे प्रेजेंट करना है आप वो चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो लकीली जो है या अनलकीली जो भी आप इसे समझ लें, ठीक है, आपका अपना सिस्टम नहीं है, ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट अपनी यूएसबी में जाके अपनी यूनिवर्सिटी में लेके जाते हैं और वहाँ पे अपने किसी दोस्त की हेल्प के साथ आप कहते हो यार मुझे अपना सिस्टम आप दो, अपना लैपटॉप दो, मैं अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो आप जैसे ही उसका लैपटॉप यूज़ करते हो तो अनलकीली उसके लैपटॉप के अंदर जो आपने डेस्टिनेशन बताई होती है, मीन जो आपने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के अंदर अपनी फाइल के नाम से पहले लोकेशन दी होती है डी ड्राइव की, अनलकीली आपके दोस्त के उस लैपटॉप के अंदर डी ड्राइव नाम की कोई भी ड्राइव मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने ड्राइव का नाम रखा हुआ है जी ई एफ ऐसे के नाम रखे हुए हैं, डी नाम की कोई भी ड्राइव मौजूद नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे एरर जनरेट होगा, एरर ये जनरेट होगा कि क्योंकि आपने एग्जैक्ट यहाँ पर जो भी आप डेस्टिनेशन बताते हो अगर वो लोकेशन मेरे सिस्टम को ना मिले पीसी के अंदर ना मिले तो देन वो उस फाइल को ओपन नहीं करता, वो एरर जनरेट कर देता है, ठीक है। और यही रीज़न होती है कि यही इसका नुकसान होता है कि लोकेशन बताने का कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को किसी और इंसान के सिस्टम में जाके रन करते हो तो अगर वो लोकेशन उस सिस्टम में मौजूद ना हो तो आपका एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है।
तो ये इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये अब हमने इसका फ़ायदा भी देख लिया कि इसको ढूंढना नहीं पड़ता, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है कि हमें जो है ना अगर किसी और के सिस्टम पे चलाना हो तो हमें जो है इसका एरर जनरेट हो जाता है कि अगर वो लोकेशन से वहाँ पे मिल ना रही हो, मीन वहाँ पे डी ड्राइव मौजूद ही ना हो लेकिन हमने यहाँ पे डी ड्राइव का पाथ दिया हो तो देन वहाँ पे एरर आएगा। अब ये था लोकेशन देने का फ़ायदा और नुकसान। अब हम देख लेते हैं लोकेशन ना देने का, अगर आप लोकेशन ना बताएं तो फिर फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो फ़ायदा तो आपके सामने है, ज़ाहिर बात है जो आपको लोकेशन देने में नुकसान था वो यहाँ पे एज ए फ़ायदा यूज़ होगा, ठीक है, मीन एडवांटेजेस आपका यूज़ होगा। अब फ़ायदा ये होता है अगर आप लोकेशन नहीं बताते तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी फाइल जो है उस जगह पे क्रिएट होती है, मीन इसको आप फिर किसी भी सिस्टम में जाके रन कर सकते हो क्योंकि आपने लोकेशन नहीं बताई हुई। तो जब आप लोकेशन नहीं बताते तो आपकी फाइल दोस्तों उस जगह पे ओपन होती है जिस जगह पे आपने अपने इस प्रोजेक्ट को सेव किया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे ये देखिए मैंने टेस्ट नाम की मेरी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, तो इसका मतलब है मेरी जो भी अब फाइल क्रिएट होगी अगर मैं यहाँ पे लोकेशन फॉर एग्जांपल नहीं बताता, ये देखें मैं डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम और आगे एक्सटेंशन बता देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरी ये फाइल किस जगह पर क्रिएट होगी, किस जगह पर ओपन होगी, जिस जगह पर मेरी ये मेरा ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है text.cpp, ओके ये जिस जगह पे सेव है उस जगह पे मेरी ये फाइल जो है नोटपैड की ओपन हो जाएगी। तो मेरी इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट है ये डेस्कटॉप पे सेव है तो इसका मतलब है ये इसी जगह पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट को अपने किसी फ्रेंड के सिस्टम में चलाते हो तो अपने फ्रेंड के सिस्टम में आप इस फाइल को जिस जगह पर सेव करोगे सेम एज उसी लोकेशन पर ये जो आपकी स्कूल डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है नोटपैड की ये उस जगह पर ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस होगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि देन कुछ बच्चों को फिर पता ही नहीं चलता कि हमारी फाइल जो अभी फॉर एग्जांपल जिनको इस कंसेप्ट का नहीं पता, ठीक है, वो फिर बेचारे परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरी फाइल कहाँ जाके ओपन हुई है, वो अपनी फाइल को ढूंढते रहते हैं, ठीक है, वो कभी डी ड्राइव में जाते हैं कभी ई ड्राइव में जाते हैं कभी वो डेस्कटॉप पर आते हैं कभी वो डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं कभी वो पिक्चर्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका नुकसान कि अगर लोकेशन आप बताओगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, ठीक है, आप एग्जैक्ट उसी डेस्टिनेशन में जाते हो, और अगर आप लोकेशन नहीं बताते तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको जो है ना अपनी फाइल तलाश करनी पड़ती है अगर आप बिगिनर हो, आपको ये नहीं पता कि फाइल किस जगह पे ओपन होती है अगर लोकेशन ना बताएं तो, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि अगर लोकेशन ना बताएं तो ये उसी जगह पे ओपन होती है कि जिस जगह पे आपका ये प्रोजेक्ट जिस जगह पे सेव होता है। इस तरह अगर लोकेशन बताएं तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ही अनलकीली आपकी वो ड्राइव किसी अपने दोस्त के पीसी में अगर आप इसे रन करते हो तो अगर वहाँ पर मौजूद ना हो तो देन वो एरर जनरेट कर देता है। लेकिन लोकेशन ना बताने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ये फाइल किसी जगह पर भी ओपन हो सकती है, मीन किसी भी सिस्टम पे आप इसे ओपन कर सकते हो, ओके, वहाँ पे फिर ये आपको लोकेशन की टेंशन नहीं होती कि हाय यहाँ पे डी ड्राइव है यहाँ पे ई ड्राइव है यहाँ पे जी ड्राइव है कि नहीं है, ओके, इस बात की आपको टेंशन नहीं होती अगर आप लोकेशन ना बताओ तो। तो ये आज का कंसेप्ट है दोस्तों जो मैं आपको बहुत ही ये जो एडवांस टॉपिक है, ओके, कंसेप्ट है फाइल हैंडलिंग का, ओके, जो बिगिनर्स हैं उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि अगर हम लोकेशन ना बताएं तो फिर क्या मैं नुकसान है क्या फ़ायदा, लोकेशन बताएं फिर क्या नुकसान और फ़ायदा है। तो मैं चाहता था क्यों ना आज मैं ये चीज़ आपको बता दूँ ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाए। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा मैं लोकेशन देता हूँ तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दी ई ड्राइव की, ठीक है, मैं आपको ये देखें ये इसे ओपन करता हूँ, मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखें ये आपके सामने ये कह रहा है योर रोल नंबर, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100, ओके, एंटर हिट करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका सक्सेसफुली आपका रोल नंबर जाके सेव हो चुका है स्कूल डॉट टेक्स्ट की फाइल के अंदर। अब ये स्कूल डॉट टेक्स्ट की फाइल कहाँ पे ओपन हुई है, ये ई ड्राइव के अंदर ओपन हुई है क्योंकि मैंने लोकेशन दी हुई है। अब मैं जाता हूँ पीसी में और यहाँ पे ये देखें ई ड्राइव में आया, ये देखें मैं आपके सामने जाता हूँ ये दिस पीसी कंप्यूटर सिस्टम में और अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये देखें ये मेरी ई ड्राइव की ई नाम की ड्राइव है, इसमें मैं आया और ये देखें यहाँ पे स्कूल डॉट टेक्स्ट नाम की नोटपैड की फाइल ओपन हो चुकी है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, तो ये देखें ये आपको नजर आ रहा है 100 जो अभी आपने रोल नंबर सेव किया था वो देखें यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये होता फाइल अपनी प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन देने का फायदा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकेशन ना दूं तो फिर ये फाइल कहां पे ओपन होगी, तो मैंने आपको बताया कि ये फाइल अगर आप लोकेशन ना दो तो ये फाइल उस मीन नोटपैड की फाइल उस जगह पे ओपन होती है जिस जगह पे आपने अपने इस प्रोजेक्ट को सेव किया हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो ऑटोमेटिकली ये स्कूल डॉट टेक्स्ट नाम की जो नोटपैड की फाइल है ये इस जगह पे क्रिएट होगी। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ,
ओके okay, और आपके सामने ये देखिए मैं पहले दिखा दूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दी, मैंने डायरेक्ट फाइल का नाम स्कूल और डाट उसकी एक्सटेंशन बताई हुई है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर देता हूँ 100, एंटर रेट करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर गया। अब हम देखते हैं कि अब वाकई मेरी जो फाइल ये जो प्रोडक्ट जिस जगह पर डेस्कटॉप पर सेव है, क्या वहाँ पर ये स्कूल डॉट टेक्स नाम की फाइल ओपन हुई है कि नहीं हुई, क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। तो ये देखें सक्सेसफुली दोस्तों क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको मैग्नीफायर के जरिए ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये तो ये देखें ये डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें आपके टेस्ट नाम की जो नोट C++ का प्रोजेक्ट था ये यहाँ पे सेव है और सेम एज इसी लोकेशन पे ये देखें ये स्कूल डॉट टेक्स्ट नाम की नोट पैड की फाइल क्रिएट हो चुकी है। और ये ओपन करता हूँ और ये देखें इसमें रोल नंबर भी आपका सेव हो चुका है। ओके ये 100 ओके। तो इस तरह जब मैंने आपको आज ये सारा बताया कि कैसे आप लोकेशन दो तो फिर क्या होता है, लोकेशन ना दो फिर क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज अपनी इस वीडियो के अंदर कवर अप की हैं। तो ये होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।